मेरी टेस्टिमनी ये है शाह साहब कि जब मैं यहाँ आई थी 4 महीने पहले तो हमारे पास बिल्कुल रिस्क नहीं था, ना मेरी अम्मी के यहाँ ना यहाँ पर। मैंने स्टार्ट किया अपना वजीफा और शाह साहब जो हमारे रमजान गए थे, मतलब हमारे 20 रमजान ऐसे ही चले गए। हमें ये लग रहा था कि हम ईद भी नहीं मना पाएंगे, लेकिन शाह साहब आप यकीन जानिए कि 25वें रमजान के बाद मेरे शौहर के पास ऐसे पैसे आए, ऐसे पैसे आए। मुझे नहीं पता कि वो पैसे उधार थे, ये मैं मानती हूँ, लेकिन शाह साहब ऐसे पैसों की मतलब बरकत हुई या बारिश हुई, क्या हुआ, इतनी अच्छी ईद। मैं किसी चीज को खरीदने से पहले सोच भी नहीं रही थी, खरीदे जा रही थी, खरीदे जा रही थी। माशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म की बदौलत ये सब कुछ हुआ। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे हालात इतनी जल्दी इतने बेहतर होंगे। शाह साहब आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है उन गरीबों के लिए। शाह साहब मेरे पास, आप ये समझिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, एक पर्स में 1 रुपया नहीं। एक दिन ऐसा हुआ था हमारे पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे, और आज आप मेरा पर्स देखेंगे, माशाल्लाह उसमें ढेर सारे पैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग मतलब इतने ढेर सारे नहीं कहेंगे, गुड है लेकिन भाजी, शाह थैंक साहब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यू और वेरी मच बहुत भाजी। ज्यादा मैं, और अब मैं बहुत सारे लोगों को शेयर भी करना जी चाहूंगी जी करें कि करें वो करें, इस शेयर करें प्लेटफॉर्म पे शेयर आए, करें उनकी जो शेयर भी तो वो भी दिक्कत करते थे, होगी, ये भी करते जी थे, जिन सब जिनकी करते भी हैं। दिक्कत करें हो वो करें सब करें। दूर होंगी यहाँ से, इंशाल्लाह।